Live, a platform to sharing your thoughts. खद पदार्थ व्यापार संघ की ओर से आयोजित आई ए एफ एफ इंटरनेशनल में देश भर के राज्यों के कई व्यापारी यहाँ पर आए हैं और वो अपने अपने प्रदेश में प्रतिनिधित्व करते हैं ट्रेड और व्यापार का इनसे बातचीत करेंगे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिन पर इस समय चर्चा की जानी चाहिए यहाँ कई यहाँ पर प्रतिनिधि हैं इनसे हम जानेंगे और साथ ही हमने अभी बातचीत की थी श्याम बिहारी मिश्रा जी से लेकिन यहाँ हम एक एक जो व्यापारी हैं अलग अलग प्रदेशों से आए हैं उनसे बातचीत करेंगे सर तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं क्या नाम है और कौन से आप ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या मुद्दा है जिस पर इस समय चर्चा की जानी चाहिए सर तो मेरा नाम संदीप गोयल है मैं जयपुर से ही हूँ और मैं सरसों तेल के व्यवसाय में संलिप्त हूँ अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जी में बहुत ही दुर्भावनापूर्ण या कहिए गलत तरीके से हमारा पैसा रोका जा रहा है हमारे जो पैकिंग मटेरियल आता है वो 18 परसेंट पर आता है हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो पाँच परसेंट पर जा रहा है इस तरीके से 13 परसेंट जो हमारा डिफरेंस होता है वो सरकार के पास जमा रह जाता है जिसके रिफंड के लिए हम कई बार प्रयास कर चुके हैं पर वहाँ से रिफंड आने में हमें बहुत समस्या आ रही है जिससे हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है और व्यापार प्रभावित हो रहा है इसी तरह के मेरा अकेले का नहीं पूरे हमारे व्यवसाय में जो भी सरसों तेल के और तेल के जो भी व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति हैं उनको एक कैपिटल शॉर्टेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है दूसरा है ऑनलाइन का ऑनलाइन के अंदर आजकल ये समस्या आ रही है कि लोग एक माल दिखाते हैं और दूसरा डिलीवरी देते हैं उससे बहुत ज़्यादा समस्याएँ बढ़ गई हैं जो हमारे प्रतिष्ठित ब्रांड हैं उनको इस चीज़ के अंदर छोटे जो गलत तरीके के ब्रांड आ रहे हैं उनसे बहुत कंपटीशन करना पड़ रहा है और ऐसे कंपटीशन में सर्वाइवल्स अच्छे आदमियों की कम होती जा रही है तीसरी चीज़ यह है कि जो ये ऑनलाइन ट्रेड है इसके अंदर बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कम्पना करना छोटी कंपनियों के लिए मुश्किल है ऐसे में ऐसे को बढ़ावा देने का सरकार का जो कथन है वो गलत साबित हो रहा है बड़ी कंपनियों के पास काफ़ी पूंजी है बड़ी कंपनियों के पास काफ़ी संसाधन है और हम उनसे उनकी लागत भी हमसे काफ़ी कम आती है चूँकि उनके पास पूंजी है और वो पूंजी के हिसाब से ही काम कर रहे हैं ऐसे में छोटे जो व्यापार है उनको हानि हो रही है और जो रोज़गार है वो छोटे लोगों का छीन के सिर्फ बड़े लोगों के पास जा रहा है इसमें ये स्थिति साफ हो रही है कि जहाँ सौ व्यक्ति एक लाख का, का काम करते थे या एक करोड़ का काम करते थे वहीं आज दस आदमी एक करोड़ का काम का कर रहे हैं उसमें रोज़गार छिनता ही जा रहा है और जो व्यापार की जो प्रतिस्पर्धा का था वो तो समय ख़त्म होता ही जा रहा है ये एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनता जा रहा है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में ही प्रतिस्पर्धा रह गई है और वह कार्टर बना के छोटों को डोमिनेट करते जा रहे हैं बड़ी कंपनियों के जाल में छोटी कंपनियाँ एक तरह से फंसती जा रही हैं आप सर आप कहाँ से आए हैं और कौन से ट्रेड को कौन से एसोसिएशन को आप रिप्रजेंट करते हैं नमस्कार मेरा नाम मांगुदेव सिंह राठौड़ है मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ हमारा ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन है जिसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ तो ज्वेलर्स के अंदर जो परेशानी आ रही है प्रेजेंट में उसके लिए अभी ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जो है इसके जो वार्षिक बैठक इसमें हम भाग लेने आए हैं कि कोई न कोई सॉल्यूशन निकले जो व्यापारियों को आए दिन कहीं न कहीं प्रताड़ना हो रही है अभी चुनौती क्या है अभी प्रताड़ना की बात क्या है सबसे बड़ी अभी हमारे ज्वेलर्स सेक्टर में अगर देखा जाए तो एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी हुई है और जो जी का जो स्लेब है वो भी हर एक व्यापारी के लिए बस की बात नहीं है छोटे मजुले व्यापारी कारीगर है उन सबको बहुत परेशानियाँ उनमें हो रही है तो हमारा तो पूरे इंडिया लेवल पे जितने भी ज्वेलर्स एसोसिएशन है सब जगह इसी बात के लिए मुहिम चल रही है कि एक तो जो व्यापारियों के चोरी का मामला आ रहा है जो चार सौ ग्यारह चार सौ बारह कलम जो है उसको कैसे निकाला जाए उसमें से व्यापारी को जो इंस्पेक्टर आज जो बोलते हैं उसमें उनको जगह जगह तकलीफ ना पड़े उसके लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं तो आज इस जो वार्षिक बैठक है इस के अंदर भी हम इसी आशा से भाग लेना है कि कोई यहाँ से हमको कोई निकाल निकले सब व्यापारियों का सहयोग मिले शुक्रिया आप कहाँ से आए हैं और क्योंकि ये व्यापारियों का सम्मेलन है लेकिन अपना भगवा आपने धारण किया हुआ है भगवा देश में चर्चा का विषय भी है इस समय मैं तमिलनाडु पवन बग् ज्वेलर एसोसिएशन से आया हूँ और तमिलनाडु पवन बुक ज्वेलर से स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और पिछले 92 से तमिलनाडु आल ट्रेड यूनियन में सर्विस दे रहा हूँ मैं मतलब और हमारा अभी उद्देश्य जो दक्षिण भारत के अंदर सबसे बड़ी पानबुक एंड ज्वेलर्स को परेशानी तो पुलिस डिपार्टमेंट से है उनकी वजह से क्या है कि चोरी के माल माल खरीदने का झूठा आरोप लगा के आई धारा चार और चार सौ का पुलिस दुरुपयोग करती है तो हमने इसके बारे में गत महीने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मिलकर भी ज्ञापन दिया था इस अरासमेंट को रोकना चाहिए मतलब और अभी भी हम एक दो दिन बाद में दिल्ली जाके उनको ज्ञापन देने वाले हैं कि पूरे दक्षिण भारत में या प्रदेश देश के अंदर जो चोरी के माल खरीद के नाम पे पुलिस का शोषण हो रहा है मतलब उसको सरकार रोकना चाहिए क्योंकि कोई भी दुकानदार चो चोरी का माल खरीदता नहीं है चो, चोरी का माल खरीदता नहीं है जो कोई लाके देता है तो अनजान में वो कोई किसी के लिला लिखा नहीं होता है भाई ये चोर है साहूकार है तो पैसा दे के ख़रीदता है कोई आधे पैसे हम नहीं खरीदता है तो ये सबसे बड़ी एक परेशानी है दूसरी जो अभी जो सोने की कीमतें बढ़ी हैं तो देख दे, दे, खाली सोना अमीर नहीं खरीदते हैं गरीब भी खरीदते हैं तो उनकी लड़कियों की शादी में बहुत दिक्कत आ रही है आपको सबको मालूम है कि सोना सोना की रेट अभी आसमान से हो रही है तो केंद्र सरकार को तत्काल जो सेंट्रल एक्श ड्यूटी को कम करना चाहिए और जीएसटी एस तीन परसेंट लगती है आभूषण पर उसको भी एक परसेंट करना चाहिए ताकि आम गरीब लोग सोना खरीद सके और अपने कन्याओं का विवाह आसानी से कर सकते हैं मतलब ये आपके ट्रेड की आपने समस्या बताई लेकिन मेरे एक और सवाल की व्यापार और भगवा का ये सामंजस्य क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं मैं पिछले तमिलनाडु में 92 से 1980 से रह रहा हूँ सॉरी तो नाइटी दो हज़ार सात से हमने घर छोड़ के मैंने दीक्षा ग्रहण की हुई है मतलब परंतु तमिलनाडु के दक्षिण भारत के गिरी जो व्यापारियों ने कहा कि नहीं हमारा मार्गदर्शन करता रही है मतलब ये बात हमने मेरे को केंद्रीय कानून मंत्री से भी कही थी कि आप तो एक संत हैं और आपको इस ट्रेड टे, से क्या लेना देना मतलब तो मैंने कहा मैं इसी लाइन से आया हूँ और उस समय मेरे साथ में हमारे जो भारतीय उद्योग मंडल के राष्ट्रीय महासचिव विजय प्रकाश जैन साहब भी साथ में थे तो मंत्री जी ने कहा कि मैं भी वकीलों के चोरी का माल देना पड़ेगा तो हमने कहा भी हम रोकते नहीं है जो चोरी का माल नहीं खरीदते हैं उनको परेशान मत कीजिए और आज जो 99 परसेंट अभी भी तमिलनाडु के अंदर होसूर के अंदर चोरी का माल अनजान में खरीदा था दे दिया गया तो अभी उनको जेल हो गई मतलब उसका कारण है कि पुलिस कानून का दुरुपयोग कर रही है मतलब उसको रोकने के लिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है व्यापारियों के जो रक्षक है सभी व्यापारियों के पूरे भारत के श्याम मिश्रा जी हमने यही अनुरोध किया है कि आप केंद्रीय कानून मंत्री से बातचीत करके दक्षिण भारत के और पूरे देश के गिरिह व्यापार को बचाने का कष्ट करें धन्यवाद तो ये तो साबित हो गया देश में कि संत भी अच्छे व्यापारी हो सकते हैं बाबा रामदेव इसका बेहतरीन उदाहरण है और व्यापारी भी संत होते हैं क्यों समाज के संत होते हैं एक तरह से जो सीधे साधे मनोदशा के साथ अपने देश को अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं आप कहाँ से आए हैं और आप कौन से एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं ये बताइए मेरा नाम किशोर खरावाला है मैं महाराष्ट्र मुंबई से आया हूँ मैं महाराष्ट्र की कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ व्यापारी संगठनों में और मैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का भी महामंत्री हूँ आज ये जो राजस्थान खाद्य पदार्थ ने जो एक तीन दिन का जो व्यापारी सम्मेलन किया है उसमें शामिल होने के लिए मैं व्यापारी की ओर से महाराष्ट्र के व्यापारी की ओर से मैं इधर आया हूँ समस्या तो काफ़ी है सभी स्टेट में अलग 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 अलग, अलग प्रॉब्लम्स है ही मगर मेरा दो चीज़ के ऊपर मैं आपको फोकस डालना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जीएसटी के अंदर अभी क्या है कि सारे देश भर में और मेरे पास महाराष्ट्र से भी काफ़ी फ़ोन है, आए हैं सभी को नोटिस बहुत आई है जिस जिन्होंने लेट पेमेंट भरा है तक क्योंकि अभी मार्केट में क्या है कि मनी का फ्लो बहुत कम हुआ है पेमेंट जो है वो डिले हो रहा है पेमेंट टाइम पे आता नहीं है कंपनियों से और जीएसटी टाइम पे भरा नहीं जाता है तो पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट ये दोनों गवर्नमेंट ने नोटिस के माध्यम से सबके ऊपर प्रेशर किया है तो इसके सामने मेरा एक सवाल वो है कि बैंक जो डूब गई है जो बैंक को चली गई है जिसमें व्यापारी लोगों का पैसा अंदर फंसा हुआ है वो अगर आप पैसा निकाल के दो तो व्यापारी तो भर देगा व्यापारी ने कभी टैक्स भरने के लिए मना किया ही नहीं है व्यापारी तो सामने से ही पैसा दे रहा है तो ये जो पेनल्टी और ये जो इंटरेस्ट की क्लोज है उसको हटानी चाहिए उनको कोई स्लेब बांध के देना चाहिए कि इतने महीने के अंदर आप भर लो और थोड़ा पीरियड देंगे तो जीएसटी बराबर व्यापारी लोग भरेंगे कोई व्यापारी ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं भरेंगे और भाग जाएंगे करोड़ों रुपए का जो गोलमाल हुआ है वो बड़े तरीक़े से हुआ है छोटे माध्यम में या छोटे व्यापारी के साथ एक इन्होंने ये कभी एक किया नहीं है ये एक मेरा एक गवर्नमेंट से सुझाव है कि इस बारे में ध्यान देवें और उसका कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकाले दूसरी चीज़ मैं मिनरल्स लाइन में हूँ मेरा राजस्थान से काफ़ी खनिज पदार्थ आता है या अभी जो भी ट्रक हम राजस्थान के बाहर हम भेजते हैं दूसरे स्टेटों में तो उसका वजन होता है वजन होना जरूरी है मगर जो वेट जो कांटे वाले हैं जिसको हम पब्लिक वे ब्रिज बोलते हैं वो ऑनलाइन के साथ गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और उसका वज़न होता है अभी टेर वेट ग्रोस वेट में भी कभी आधा टन एक टन का फर्क पड़ता है तो उसके लिए भी अगर आप पेनल्टी क्लोज डालो और आधा माल फिर वो ड्राइवर रस्ते में उतार लेता है या तो कहीं काटा करने जाते हैं वहीं उतार लेता है तो अल्टीमेटली जो माल सप्लायर है उसको ये लॉस होता है तो उस कानून में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए कि उसमें पेनल्टी और सारी जो क्लोज़ है वो हटा दो क्योंकि हर पेनल्टी और क्लोज़ क्या सिर्फ व्यापारी के लिए है आम और, और किसी के लिए नहीं है आपके कोई ब्यूरोसी या अफ़सर के लिए कुछ है ही नहीं और जो भी होता है व्यापारी को भुगतान करना पड़ता है तो ये बात गलत है भारतीय जनता पार्टी के वेलविसर और जो भी वोटर्स है वो व्यापारी वर्गीय रहा रह है और जो भी गवर्नमेंट आएगी किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी अगर व्यापारी के फेवर में काम होगा तो व्यापारी वही फ़ायदा आगे पास ऑन करता है आम जनता को होगा ये सारी पार्टी को बात सोच के और अच्छा रास्ता निकलना चाहिए ये मेरा एक मानना है और आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज मैं प्राइम मिनिस्टर तलक मैं पहुँचाना चाहता हूँ तो ये मुझे आशा है कि आप पूछा देंगे धन्यवाद तो व्यापारी अगर खुशहाल होगा तो देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो प्राथमिक जो ज़रूरतें हैं बिजली पानी सड़क सुरक्षा इन पर भी पैसा खर्च कर पाएगी सरकार इससे सभी समग्र विकास हो पाएगा और भी लोग इन पर बात करेंगे सर आप कहाँ से हैं आप अपना परिचय खुद दीजिए गोपाल दास अग्रवाल अध्यक्ष मध्य प्रदेश अनाज व्यापारी महासंघ इंदौर से ये खाद्यान्न व्यापारियों का सम्मेलन है इसमें जो प्रमुख रूप से स्थिति है ये जब से सरकार ने देश में नोटबंदी की व्यवस्था बनाई जीएसटी की व्यवस्था लागू की जब से नोटबंदी हुई तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली गई सरकार ने नोटबंदी के लिए नोटबंदी का हिसाब सरकार के पास भी नहीं मिला आज तक वो ढूंढ रहे कितने नोट जमा हुए और कितने नए आए और कितने गए और उसके कारण ये जरूर हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई सारे व्यापार चौपट हो गए व्यापारियों की स्थिति खराब हो गई इसलिए सरकार को नोटबंदी के मामले में पुनः विचार करके व्यवस्था को सुधारना चाहिए क्योंकि किसान को यदि नगद भुगतान पूरी तरह से होगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक सुधर जाएगी नहीं तो आज ये दशा है कि दिनों दिन बैंक की ब्याज दरें इतनी घट गई कि आज जो आपका डिपॉजिट रुपया है छः परसेंट से घट के पाँच परसेंट पर आ गया आप बैंक में जमा करने की स्थिति हो गई कि पैसा भी जमा नहीं कर पा रहा है वही व्यापारी की स्थिति हो गई व्यापार व्यापार नहीं कर पा रहा है और उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और जी का मसला जो है जी के मसले में भी सरकार ने धोखे का, का काम हुआ और एक ई ई लील की व्यवस्था देश में उनने लागू की है जो सबसे खतरनाक है जिसमें कुछ भी नहीं हुआ वो सिर्फ मतलब जो है उसको पैसे को समाप्त करने में लगे हैं गवर्नमेंट का इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए शुक्रिया आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ये ए, ए, राजेश जी ए, मैं आपका नाम आपके कार्ड में देखा है लेकिन आप अपना परिचय दीजिए कहाँ से हैं? राजेश जैन प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश से विदिशा से आया हूँ मैं सर किस ट्रेड को आप रिप्रेजेंट करते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे मैं बेसिकली किराना का व्यवसाय है मेरा उसको करता हूँ और बेसिकली अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है हिंदुस्तान के फुटकर खैरची व्यवसायियों का जब से एफ लागू ही है तो बाल और बेस्ट प्राइस के माध्यम से हमारे यहाँ थोक के धंधे में यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में ये दुकानें खुली अभी पिछले दो तीन सालों से डी मार्ट रिलायंस विशाल मेगा मार्ट और ये जो भी हिंदुस्तान की भी कंपनियाँ हैं उन्होंने अब पिछले पिछले वर्ष से पिछले वर्ष से विदिशा जैसे छोटे विदिशा जो कि डेढ़ से दो लाख की जनसंख्या ऐसे जगह पर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया ये बहुत बड़ी मछलियाँ हैं और जो हमारे व्यवसायी छोटी छोटी पूंजी लाकर काम करते हैं ये छोटी मछलियाँ इनका जो माल आता है एक ट्रेड से एक जगह से आता है और ये बहुत सस्ते में शुरुआत में सामान बेचेंगे क्योंकि तो आपको पता ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने शुरू में सस्ता माल बेचा और जब ये छोटे व्यवसाय ख़त्म हो गए तो उन्होंने राज करा इसी तरह अभी हमारे यहाँ जो एक मीट हुई थी उसमें मुकेश अम्बानी ने बोला कि मध्य प्रदेश में मैं किरा प्राथमिक स्तर पर मध्य प्रदेश में दस हज़ार किराने की दुकान खोलूँगा दस हज़ार का मतलब कि प्रत्येक छोटे से शहर में भी दुकान होगी गांव में दुकान होगी अगले चरण में उसका लाखों दुकान खोलने का मन है मुकेश अंबानी का ऐसे ही डी मार्ट ऐसे ही बहुत छोटे छोटे आपको पता है बिग बाज़ार है तो ये ज़रूरत हमारे हिंदुस्तान की नहीं है क्योंकि हमारे व्यवसाय अलग है छोटी छोटी दुकान है छोटे छोटे चौपालों पर छोटी छोटी गलियों में दुकान से धंधा करते हैं तो इस विषय में सरकार को सोचना चाहिए कि इनको बढ़ावा ना दे। इनको कम से कम छोटी सिटी में पहले एक कानून आया था कि दो लाख से कम सिटी में इस तरह के माल हम नहीं खोलेंगे लेकिन अब फ्री कर दिया उन्होंने एफ डी जब से हंड्रेड परसेंट लागू करिए तो हम इसका विरोध करते हैं और इस आपके माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि छोटे शहरों में इस तरह के माल न खोले जाए शुक्रिया सर सर तो आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और किस ट्रेड से किस एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं मैं गोपाल मोर हैदराबाद से हूँ मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ व्यापारी की अलग अलग आपने समस्या सुनी अभी सरकार ने एक नई स्कीम लाई है व्यापारियों के लिए व्यापारी मानधन योजना एक पेंशन स्कीम व्यापारियों के लागू की है हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काफ़ी बार मिश्रा जी ने कहा था कि जिस तरह सरकार के अधिकारियों को निवृत्त होने पर पेंशन दी जाती है उसी तरह व्यापारियों को उनको साठ साल की आवश्यकता के बाद पेंशन देनी चाहिए सरकार ने योजना तो बना के लागू की बड़ा अच्छा किया लेकिन उसके जो प्रावधान है उसमें यह रखा कि व्यापारी कंट्रीब्यूट करें और 50 परसेंट सरकार भी कंट्रीब्यूट करेंगी उसके बाद चालीस वर्ष तक अठारह वर्ष से लेकर चालीस वर्ष तक वो कॉन्ट्रीब्यूट करें और साठ वर्ष के बाद उनको तीन हज़ारों महीना पेंशन मिलेंगी हमारा सरकार से आग्रह यह है कि अगर जो व्यापारी उस पेंशन स्कीम में लागू होता है उसका व्यापारी का कंट्रीब्यूशन सरकार राज्य शासन दे क्योंकि वो राज्य शासन के लिए और केंद्र शासन के लिए जीएसटी जमा करके सरकार के खातों में दे रहा है तो उसका 50 परसेंट तो राज्य सरकार दे 50 परसेंट केंद्र सरकार दे और एक बार जो व्यापारी उस स्कीम के अंदर आ गया अगर उसकी बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसका बाकी का पैसा सरकार भरे और उसके परिवार को पेंशन की पूरी योजना का लाभ मिले साथ ही उसकी पत्नी उसकी पेंशन में सहभागी हो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भारत में और शहरों में भी जो पति दुकान पर बैठता है जब वो किसी काम से या खरीदी से बाहर जाता है तो पत्नी भी उसकी दुकान संभाल के दुकानदारी करती है एक पूरा परिवार व्यवसाय जुड़ा रहता है तो उसकी पत्नी भी उसमें भागीदार हो और उनको पूर्व को कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में पाँच हज़ार रुपये महीने की व्यवस्था पेंशन की हो और इसमें अठारह वर्ष की आयु के बाद आप जो स्कीम लागू कर रहे हैं वो आप अपने स्तर पर लागू करें लेकिन साठ साल के बाद निश्चित रूप से व्यापारी के खाते में पैसा जावे इसकी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए शुक्रिया सर आप बताइए सर आप कहाँ से जी का लिया वाइट आपने अच्छा मेरा कहना ये है कि देश के अंदर सात करोड़ छोटे और मध्यम व्यापारी है। मैं व्यापार कह से, कह से हैं मैं है, विजय प्रकाश जैन वरिष्ठ महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली से दिल्ली से दिल्ली से हमारा कहना है कि भारतीय उद्योग की मांग है कि व्यापार मंत्रालय का स्वतंत्र व्यापार का गठन होना चाहिए जिससे एक विंडो के अंडर घर व्यापारियों की जितनी भी कठिई है संन्यास है और विकास के कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट किया जा सके सरकार ने एक मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य उद्योग व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग तो कायम किया है मगर उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है हमारी माने व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ साथ व्यापारी आयोग का गठन हो जिसके अंदर से व्यापार के विकास की रिटेल व्यापार के विकास की बात हो अभी तक सरकार ने रिटेल पॉलिसी अनाउंस नहीं की है इसके अलावा ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी व्यवा... व्यवस्था है जिसकी वजह से देश के सात करोड़ व्यापारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है उनकी रोजी रोटी के ऊपर एक है भारतीय उद्योग व्यापार में यदि समय रहते सरकार ने बातें नहीं मानी तो हम भारत का व्यापार बचाव आंदोलन की प्रक्रिया का प्रारंभ करेंगे और संसद से लेकर सड़क तक हम आंदोलित होंगे और अपनी मांगे सरकार के सामने प्रकट करेंगे इस मंच पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी दिल्ली से तमिलनाडु तक के व्यापारी इस सम्मेलन में भाग लेने आए हैं जिसका आयोजन राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने किया है और एक ऐसा मंच यहाँ उपलब्ध कराया है जहाँ पर ट्रेड और इंडस्ट्री के ज्वलंत मुद्दों पर मंथन किया जा सके और एक ही प्लेटफॉर्म पर सरकार और इंडस्ट्री और ट्रेड के प्रतिनिधि बैठे और फिर उसके कोई परिणाम को आगे निकाला जाए ताकि देश और प्रदेश सभी का उद्योग और व्यापार आगे बढ़ सके यदि उद्योग और व्यापार आगे बढ़ेगा तो देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी और इसके साथ ही जो प्राथमिक जरूरतें हैं सड़क पानी बिजली इन सब के लिए सरकार के पास राजस्व होगा हो इससे सबका देश का और प्रदेश का विकास हो सकेगा तो एक बेहतरीन मंच राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और टासो की ओर से यहाँ पर सीतापुरा के जे में उपलब्ध कराया गया है कैमरामैन एहसान अली के साथ बीके शर्मा सिटी लाइव जयपुर to sharing your thoughts.